कंचन टीवी न्यूज और बजारी एंटी देखने वाले सारे दर्शकों विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों भी आज हम पहुंचे हैं सफीदो के वार्ड नंबर 11 में। जैसे कि आपको पता है कि भाई जो चुनाव जो होने वाले हैं भाई यहाँ पर सफीदो में जो नगर पालिका चुनाव होने जा रहे हैं 19 तारीख को, तो भाई चुनाव के लिए भी काफ़ी यहाँ पर है गहमा गहम यहाँ पर मची हुई है। वार्ड नंबर 11 पहुँचे हैं और यहाँ पर लोगों से जानना चाहेंगे कि सफीदो से भाई किस कैंडिडेट को यहाँ से जिता रहे हैं, तो बात भी आप करना चाहेंगे। और देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर है युवा हैं और दूसरे देख सकते हैं तो शुरू मालूम से यहाँ पर भाई कहाँ ताश खेल रहे हैं, बात करना चाहेंगे क्या कुछ है किसका मोल यहाँ पर बताना चाहेंगे। जी राम राम जी। राम राम जी। तो जी आप ये बताइए अब की बार सफीदों से आप किसे चेयरमैन चुनना चाहेंगे? गौरव रोहिल्ला जी। उसमें आपने ऐसी क्या खास बात लगी? सारी खासियत है भाई साहब उसमें, 24 घंटे किसे टाइम घंटी मारो, किसे टाइप का काम हो उसे टाइम हाजिर, नौजवान है छोरा, सारी खूबी है जी, ऊपर नीचे सारा सिस्टम है जी, आधी रात ना नाली के बिजली के कोई पेंशन के किसी टाइप का कोई काम हो दलदले से कराता है। अच्छा और भी कैंडिडेट है? कैंडिडेट हो रहा है कोई, 5 साल में 365 दिन होता है जी साल में, बिल्कुल 60 दिन निकल काम है इब तक इतिहास ठा लो भाई साहब, 60 दिन में इब तक है ना 20 बार भी कोई घूमे, 10 बार भी नहीं घूमे। अच्छा। कौन वोट दोगा भाई साहब? कौन जिंदा है? गौरव रोहिल्ला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस ये टक्कर की बात करूँ तो आपने बोला कि गौरव रोहिल्ला जीतने वाले हैं, उसकी टक्कर में कौन आपको दिख रहा है? देखो जी मेरे हिसाब से तो राकेश जैन जी आवा थे पर वो भी पीछे रह गए। कारण उसका? कारण क्या जी, वो फील्ड में आते नहीं जी। अच्छा। हाँ फील्ड में आते नहीं जी, फिर वही बात है क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ऐसी कावसी है जी कोई है नहीं कोई। तो आप कौन से वार्ड से? इसी वार्ड नंबर 13 से जी। अच्छा वार्ड नंबर 13 से है आप? हाँ जी 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 जी। हाँ जी। तो आप गौरव रोहिल्ला जिताना चाहेंगे? मैं नहीं जनता जिताने चाहते जी, मेरे खाली मेरे से कुछ थोड़ी ना होगा जी। अच्छा पूरी जनता पूरा शहर गौरव रोहिल्ला की तरफ है जी 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 जी। तो देखिए भाई जी जी देव, तो देखिए भाई यहाँ पर है बातचीत हम करना चाहेंगे और लोगों से भी यहाँ पर राय जानना चाहेंगे कि अब की बार है सफीदों से लोग किसे चेयरमैन यहाँ पर चुनना चाहेंगे। अंकल जी यहाँ पर देख सकते हैं भाई अपने मगन में है और गेम खेल रहे हैं। अंकल जी राम राम। राम राम अंकल। राम राम भाई। राम। अंकल जी आप ये बताइए अब की बार है सफीदों से आप किसे चेयरमैन चुनना चाहेंगे? राकेश जैन। राकेश जैन। तो उसमें आप ऐसी क्या खास बात लगी? सारी ये खूबी है, अवगुण तो है नहीं एक भी। अच्छा जी। टक्कर की बात कर तो किसी की टक्कर नहीं भाई, कोई टक्कर नहीं किसी की भी। बता रहे हैं कि भाई कोई बता रहे हैं राकेश जैन के यहाँ पर जीत होने वाली है, तो कोई ये बोल रहा है कि अब की बार है गौरव रोहिल्ला के यहाँ पर जीत होने वाली है, तो कुछ अंकल जी यहाँ पर है बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं।